हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक. भाई क्या है न्यूज़? जीत गए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट. हम जीत गए. बहुत ही मज़ेदार था. मतलब 1-1 था. डिसाइडिंग फैक्टर वाली गेम थी और उसमें हम जीत गए. तो देखते हैं. और उससे बड़ा कमाल ये है कि शुभम गिल सेंचुरी डिस्ट्रॉयड न्यूजीलैंड. गिल ने बनाए कितने 126 रन्स ऑन 63 बॉल्स. कमाल है. ग्रेट. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई. शुभम गिल की सेंचुरी भाई, क्या जबरदस्त सेंचुरी थी यार. मजा आ गया यार. डांस कर करके खेल रहे हैं भाई आज. या तो इंडिया की टीम बहुत अच्छी होगी हुई या तो न्यूजीलैंड इंतहाई गंदी बॉलिंग कर रहा है. लेकिन जो भी हो, शुभमन गिल ने आज फिर से मेला लूट लिया. ओडीए क्रिकेट के अंदर उसने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की ही की. T20 में पहले दो में नहीं चला लेकिन तीसरे में ऐसा चला कि फिर सबके रोंटे खड़े करके रख दिए. जहां पे आपको लगता है कि सेंचुरी नहीं हो पाएगी वहां पे ये सेंचुरी कर जाता है. इसको जिसको कहते हैं ना एंड के ओवर में ऐसा गेंद लगता है. जब इसका आपको याद होगा 200 मारते टाइम इसने एंड पे कितने छक्के मारे थे, 5 छक्के मार के इसने 200 कर दिया था. इसी तरह से जब 60 क्रॉस किए तो शुभमन गिल साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने छक्कों की बारिश कर दी और ऐसी बारिश की कि आराम से इसको कहते हैं सेंचुरी करके. सिर्फ और सिर्फ इसकी पूरी इनिंग्स के अंदर मैं बात करूं, एक गंदी शॉट थी जिसके ऊपर सर कैच छूटा. अदरवाइज ब्रिलियंट किस्म की बल्लेबाजी की है. मजा आ गया. देखें, अगर कहा जाए कि न्यूजीलैंड गेम में आने के बाद न्यूजीलैंड की बारात लूट ली इन्होंने तो ये गलत नहीं होगा. शुभमन गिल जो आज जिनको पता था इनका रिश्ता पक्का होना है और आज बाकायदा तेंदुलकर उनके होने वाले सुसर अभी कैच भी छूटा लकने आज दो तीन मैच पहले ही नारे लगा दिए ना स्टेडियम में बहुत सारा. हाँ, प्यारा गिल हमारा. हाँ, मतलब ये वाले किसकी हमारी भाभी कैसी हो सारा भाभी जैसी. अच्छा, आज बाकायदा दामाद को देख रहे हैं कि भाई ये खेलता कैसे है. हाँ, तो यार क्या सचिन तेंदुलकर भी आ रहा था. सौरभ मुझे हजम ही नहीं हो रहे थे. मैं वास्तव में इस बात पे झगड़ा कर रहा था कि यार इसने 18 बोले 18 रन बनाए आखिरी. ठीक है, तो जाके 50 हो रहे हैं इसके. उसके बाद इससे पीछे मुड़ के नहीं देखा किस तरह से कन्वर्ट करते हैं. आप ये देखे कन्वर्जन जो है उसकी कि उसने अगली 6 बॉलों के ऊपर गेम ही बदल के रख दिया. यानी कि 80 के बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे 100 आने वाले, मैं 4-6 बॉले ज्यादा भी ले जाऊंगा कोई पूछेगा नहीं. मगर जहां अकाउंटेबिलिटी होती है ना, जहां ये पता होता है कि यहाँ पे मेरिट पे बॉल आ रहा, मेरिट पे 6 जाएगा, तुमने मारना है कोई बॉल. कुछ बोले वो ऐसी भी खेल गया जो मारने वाली थी और सब कुछ बहा के ले गया. OMG, क्या कमाल की आज शुभमन गिल ने किया भाई. तोबा तोबा तोबा, न्यूजीलैंड बह गया. मार मार के भाई साहब बॉलर्स को दुम्बा बना दिया है. दुम्बा दुम्बा क्या होता है तो चुम्बर सुना हुआ. इसे ही ग्रेट क्यों समझा जाता है. तो इसी के हवाले से बात करेंगे कि भाई साहब इंडिया के ये लोग, ये खिलाड़ी हर खा के क्या आते हैं भाई, कि भाई जो आता है छा जाता है. और शोएब अख्तर की एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, बड़े हैरान लीग की 50-50 मीटर की बाउंड्री पे कौन कर रहा था रन कल. आज मेरे भाइयों, में आप जो मुझे भेज रहे थे ना रिजवान के, अब बोलो ना रिजवान ने 33 बॉलों पे 73 मार दिया. अबे क्या हो गया, 39 पे 73 मार दिया, अब क्या हो गया, चुप हो गए तुम लोगों का, मुंह बंद कर दिया. अबे वो लीग के लिए मार रहा है, पाकिस्तान के लिए कब मारे दिखा दो मुझे. अगर तुम्हें वो जो टॉप के दो बॉलर है, इसलिए करूंगा उसने भाई टीम के लिए मार दिए रन, अपनी टीम के लिए बात थी इसलिए बात होगी. वो रिजवान के बात करके क्या करूंगा भाई मैं. मैं तो उसको जब पाकिस्तान के ब्लेजर में देखता हूँ तो वहां उम्मीद लगाता हूँ, जहां मारोगे मैं इतना बड़ा कर दूंगा. जब तुम मारोगे किसी और के लिए जहां तुम्हारे पैसे लगे हुए होंगे वो मेरे लिए लाना दे, मैं क्यों डिस्कस करूंगा उसको. भाई वो इंडिया के लिए मार रहा है यार, वो अपनी टीम के लिए मार रहा है जहां पे जरूरत है उसको. आईपीएल में नहीं मार रहा, कितने आईपीएल के लोगों को समझ आती है आईपीएल की. 100 मारे थे वहां भी आईपीएल में. नहीं भाई वो एक लीग है यार. नहीं गिलने अपने पैसों के लिए खेलता है, अपने स्टेट के लिए शुभमन गिल ने आज सबसे बड़ा जो मैसेज कन्वे किया है वो ये किया है कि इनिंग को बिल्ड कीजिए मगर करने के बाद जो है ना कुछ उखाड़ के भी आइए.
समझ रहे ना मेरा इशारा कहा है? मतलब काटते नहीं है इनके प्लेयर्स। जब करो, जब तुम्हारे पास रेंज ऑफ स्ट्रोक तुम्हारी औकात उस लेवल की हो तो मैं बताओ, मैं 8-10 चक्के भी लगा दूंगा। यार आप ये देखेंगे, ईशान गया उसके बाद त्रिपाठी आया, हाँ। उसको ये नहीं बोला कोच ने कि तू जाके रोक ली, हुआ जो अच्छी बॉल है रोक ली, हाँ। उसको बोला अच्छी को भी स्ट्राइक करूंगा, क्योंकि बॉल अच्छा ही तो मारने वाला होता है, बुरे बॉल में तो सब मार लेते हैं, सब मार लेते हैं, ठीक है, तो अच्छे बॉल में तो बुरे बॉल में सब मार लेते हैं। यार मैं एक अच्छी बॉल है यार, नथिंग टू कम अवे फ्रॉम शुभमन गिल, शुभमन गिल ने फिर से सो कहते ना मेला लूटा, और साथ ही साथ आज तो सो कहते हैं क्रिकेट के मास्टर भी बैठे हुए थे सामने, सचिन तेंदुलकर उनके सामने सेंचुरी मारी है, 1,00,000 से ज्यादा बंदा क्राउड मौजूद था स्टेडियम के अंदर, उनके सामने सेंचुरी मारना, न्यूजीलैंड सबको छोड़ो फर्ग्यूसन का मैं समझता हूँ करियर खत्म करके रख दे, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर सूर्य कुमार यादव ने फर्ग्यूसन का बुरा हाल किया था, इंडिया के अंदर शुभमन गिल ने फर्ग्यूसन का बुरा हाल किया हुआ, शुभमन गिल ने क्या पूरी इंडिया की टीम ने फर्ग्यूसन का बुरा हाल किया हुआ, आप देखे ना इतने रन आगे, मैं तो पहले भी कह रहा था कि भाई इंडिया न्यूजीलैंड बड़ा जबरदस्त हार के जा रहा है, 200 आएगा, दूसरी बारी हार रहा है, हारा 2020 में हारा, जब जब इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की वर्ल्ड कप में ना, 300 से ऊपर रन गए। अब T20 की अगर बात करें तो T20 के अंदर भी आपके सामने जब भी बल्लेबाजी करने आते हैं इनकी अप्रोच ही अलग होती है, शुभमन गिल ने जो क्रिकेट खेली है उसने क्लास दिखाई है, उसने दिखाया है कि आप स्टार्ट लो अपनी क्लास के साथ, कोई उसने अन्य वहां हिट नहीं की, कोई उसने से कहते हैं ना इनप्रॉपर शॉट नहीं खेली, नहीं कैच बचा था, 10 ओवर के बाद जाके उसने जिसे कहते हैं छक्कों की ट्राई की है, अदरवाइज उसने बिल्कुल क्लास के साथ लेके चल रहा था, और समझ से बाहर है कि ईशान किशन को समझ नहीं आती कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं, अगेन फ्लो पृथ्वी शॉ को नहीं खिलाया, खिला सकते थे किसी तरीके से एडजस्ट कर सकते थे, रही बात जिसे कहते हैं राहुल त्रिपाठी की, मैंने पहले भी कहा था कि उसकी टेक्निक मुझे अच्छी नहीं लगती, आज उसने रन किए, उसने एक मोमेंटम बना के दिया, जो इंडिया के आज 200+ रन हुए हैं इसके पीछे राहुल का हाथ है, उसने जिसको कहते हैं ना रन को रोका नहीं, एक उसकी क्वालिटी अच्छी मुझे लगी कि वो ब्रेव है, सेल्फलेस क्रिकेटर है, वो जिसको कहते हैं ना अपने लिए नहीं खेलता, वो टीम के लिए खेलता, अगर अपने लिए खेलता तो जल्दबाजी करके आउट, फाइनल के ऊपर से उसने मारना है, कवर के ऊपर उसने जो कवर का छक्का मारा, सच्ची बात कह रहा हूँ, बहुत प्यारी शॉट थी, मुझे बड़ी पसंद है, तारीफ कर रहा हूँ, हमारी बी टीम खेल रही है ना, मूव करना पड़ेगा, ऐसी क्रिकेट नहीं खेली जाती, आपको इसको कहते हैं ना अगर लंबे रन करने हैं, अगर ज्यादा टाइम के लिए खेलना है तो आपको इसको कहते हैं थोड़ी टेक्निक के साथ भी खेलना पड़ेगा, अन्य वा भला नहीं घुमाना, शुभमन गिल से सीखना चाहिए हर किसी को, मैं दोबारा शुभमन गिल से सीखे, क्या जबरदस्त किस्म की उसने सेंचुरी मारी है कि मतलब कोई मजाक हो गया है, नहीं मुझे बता दो इस लड़के के लिए कोई मजाक हो गया, मैंने सुना था कि बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़े जबरदस्त किस्म की शॉट्स खेलता है, बड़ा जिसको कहता है अच्छा इसका जिसको कहते हैं फ्यूचर होगा, लेकिन देखा नहीं था, लेकिन ऐसा ऐसा इस साल के अंदर इसने वो क्रिकेट दिखा दी है कि जिन लोगों को नहीं भी पता था, शुभमन गिल वही तो कमाल है, चला ही चला T20 में सेंचुरी मार दी से बढ़ के क्या हो सकता है, और 2023 अभी 11 महीने पड़े हैं, जनवरी जिसको कहते हैं गुजर गया, फरवरी का स्टार्ट आपके सामने, इस भाई तो सचिन तेंदुलकर को इंप्रेस करने के लिए किया, स्टार्ट उसने सेंचुरी से किया, तो देखिए अगले 11 पूरे 11 महीनों के अंदर करेगा क्या, रन की अगर बात करें बहुत ज्यादा रन हो गए हैं, बहुत मुश्किल है न्यूजीलैंड का चेस करना, लेट्स सी देखते हैं क्या, मैंने तो कहा हुआ था कि न्यूजीलैंड आज नहीं जीतेगी इंडिया जीतेगी, मैंने इंपैक्टफुल प्लेयर का भी बताया हुआ था कि शुभमन गिल सूर्य कुमार यादव होंगे, तो गिल तो चल गया भाई, जीत गया, क्या होगा बहुत ज्यादा गेम होगा, रन है न्यूजीलैंड को, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बुरी तरह हारा है, रही बात शुभमन गिल की, लव यू यार, दिल जीत ले, मजा आ गया, यकीन मानो कि जब आपकी तारीफ करने पे मजबूर मैं समझो इतना हुआ हूँ कि आपने इतनी अच्छी क्रिकेट खेल दी है कि लेवल कर दिया, बहुत मजा आया मजा आ रहा है भाई राहुल त्रिपाठी और शुभम गिल, हार्दिक पांड्या और साथ में सूर्य कुमार यादव, भाई सब ने जबरदस्त खेला है, लेकिन दोस्तों ईशान किशन का टाइम अच्छा नहीं, लेकिन स्पेशली ये वीडियो दोस्तों शुभमन गिल के नाम, दोस्तों क्या सेंचुरी मारी है भाई, दिल खुश कर दिया यार, कैसे खेल रहे भाई, ये मैच देख के भाई पता नहीं मैं और मोटा होता जा रहा हूँ यार शुरू में तो दुख दुख हुई थी भाई, मैच हारे या जीते लेकिन पैसा पूरा वसूल हुआ यार, बहुत जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं भाई, ये देखो एक और फोर चक्का समझ में नहीं आ रहा कौन सी उस पे वीडियो बनाऊं, सिक्स पे बनाऊं, फोर पे बनाऊं, सेंचुरी पे बनाऊं, किस चीज पे बनाऊं भाई, जो भी है
कॉन्ग्रेचुलेशन, सबको बधाई हो, जबरदस्त भाई। अब तो डबल बधाई हो जो है वो बी टीम इतनी चमक रही है यार। आप लोग सोचो सोचो, सोचने की बात है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। देख लो भाई, कमाल हो गया। एक और सेंचुरी, पता है अगर एक्चुअल रीजन क्या था, सचिन तेंदुलकर वहां पे था इसलिए। भैया मैं बता रही हूँ कि उसे इम्प्रेस करना था भाई, शादी की बात है। अगर आप अपने ससुर जी को इम्प्रेस नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? पता नहीं, एक टाइम से तो नहीं होता नहीं, नहीं बट दूसरा एंगल ये भी है कि भैया अगर आपके सामने बैठे हैं तो आप नर्वस भी हो सकते हो, देखो भैया, पर नर्वस ना हो के गेम अच्छी प्ले की है, वो कमाल की बात है। मैं मजाक कर रही हूँ यार, हर चीज को सीजन पसंद लिया करो। राइट पॉइंट ये था कि मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उसी की वजह से हमें विन भी मिली है। न्यूजीलैंड को बुरी तरह से हराया, कमाल है। पहले वनडे में हराया, अब T20 में हराया, वेरी गुड। अब न्यूजीलैंड को हराना जो है खुशी हो रही है, सिर्फ यही काम करना बस। अब न्यूजीलैंड के साथ ना खेले, अब सीधे वर्ल्ड कप में खेले ताकि वो घबराए रहे अभी। बस यही समझ नहीं आता कि वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही खेलना चाहिए था और न्यूजीलैंड को कोई नहीं। अब होएगा ना, जो दुनिया कहती न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रांग टीम है, बहुत ये टीम, अब दिख गया कितनी स्ट्रांग टीम है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अनलेस उन्होंने अपनी कोई वीकर टीम भेजी है, विच आई डोंट नो। चलो बताना उनकी वीकर टीम, हमारी टीम भी है उनकी, हमारी भी तो बी है, तो अगर उनकी भी बी हो तो भी मुकाबला तो सेम। उन्होंने अपने ट्रू प्लेयर्स भेजे हैं कि थोड़े वीकर प्लेयर्स के हैं, आई डोंट नो, मगर अभी तक तो ये लग रहा है कि उन्होंने बुरा हाल हुआ उनका। और देखते हैं अभी क्या, पहले लग रहा था कि रिवेंज होगा, बदला लेंगे, कुछ बदला नहीं ले पाए, कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हुआ है, बिल्कुल मजा ही आ गया यार। और गिल ने तो कमाल ही कर दिया, ही हैज यू नो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने की जो पाथ है ना उस पे चल रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।